कैसा लग रहा है आपको खाना? आपको अच्छा लग रहा है खाना? कुछ कमी बेशी आपको अच्छा लग रहा है? तो ये देखो, ये एंजॉय कर रहे हैं इस समय, तो एंजॉय करने देते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केमचो, केरो हाल है। तो गाइस, आज हम आए हैं ईशान रसोई। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, यहाँ पे मिलता है 1 रुपए की थाली। जी हाँ, 1 रुपए की थाली। और 1 रुपए की थाली में जो जो मिलता है वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रहा श्री शाम रसोई, 1 रुपए में भरपेट खाना। तो ये प्रवीण कुमार जी के द्वारा चलाई जा रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि 1-1 रुपए की थाली में क्या क्या मिलता है। तो आइए चलते हैं। आलू की सब्जी, ओए होए होए होए, इसकी रंगत, इसकी खुशबू, ओए होए होए, मज़ा दे रही है एकदम। और एकदम ये देखिए, बिल्कुल एकदम शाही सब्जी जैसी लग रही है ये तो मेरे को। ओए होए होए होए, ये तो मज़ा आ गया एकदम देख के। मतलब लोगों को अच्छा खिलाया जा रहा है यहाँ पे। और ये है हमारे छोले, क्या खुशबू आ रही है यार एकदम। ये पता करते हैं कौन से छोले हैं। ये सब पंजाबी छोले बोलते हैं इसको। पंजाबी छोले, पंजाबी छोले भंडारे वाले। क्या बात है सर, इसको बड़ी मेहनत से हमारे भाई ने बनाए हैं। बहुत बढ़िया। ये है हमारी करारी पूड़ियां। और यहाँ बन रहे हैं हमारे समोसे, एकदम गोल्डन कलर हो चुका है इसका। ओए होए होए, खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बन रहे हैं समोसे। समोसे में क्या क्या डलता है अभी आप बता दीजिए एक बार। इसमें आलू है, बटर होगा, पनीर होगा। अच्छा जी, पनीर भी डलता है इसके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया भैया, मतलब पनीर की स्टफिंग भी होती है इसके अंदर। तो मतलब अच्छा खिलाया जा रहा है लोगों को, बहुत बढ़िया भैया। ये बन रहा है हमारा मूंग दाल का हलवा। ओहे ओहे ओहे, देसी घी में बन रहा है गाइस, ये देसी घी में। और मैं ये आपको बता दूं, अरे वाह वाह जी वाह, बादाम भी गिर रहे हैं इसके अंदर। ओए होए होए होए, मेरा तो फेवरेट है, आई होप आप सभी का भी फेवरेट होगा। अरे रुकिए रुकिए, इसके अंदर तो काजू डालना तो रह ही गया। और ये डल रहे हैं हमारे काजू। ओए होए होए, काजू से भरपूर। तो आइए प्रवीण जी से भी थोड़ी बातचीत करते हैं, ये कैसे कर रहे हैं ये सब। तो प्रवीण जी, ये बताइए कि आपने 1 रुपए की, आपको सोच कहाँ से आई कि हाँ यार कुछ समाज सेवा करनी चाहिए, हमें भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। सर पहले 10 रुपए में थी। हाँ जी, 10 रुपए के अंदर क्या था कि 10 रुपए के अंदर जो है हर आदमी 10 रुपए भी नहीं हो सके। अच्छा, ये कोरोना टाइम का टाइम ऐसा चल रहा है, लोग बहुत परेशान है और मीडियम क्लास तो बहुत ज़्यादा वैसे परेशान है। तो मीडियम क्लास वाला आदमी सोचता था यार मैं तो नहीं लूँगा, वो 1 रुपए के अंदर वो उसको दे रहे हैं, वो सोचता है चलो 1 रुपए के अंदर मैं खरीद के भोजन कर रहा हूँ और अदरवाइज मेरा इसमें कोई लालच नहीं है कि भाई जिसके पैसे नहीं वो फ्री उठा सकते। जैसी शाम। तो जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर आपको सपोर्ट करना है तो नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, आपको पेटीएम कर सकते हो आप। और ये आ चुकी है हमारी शाही थाली। थाली के अंदर देखो गाइस क्या क्या है। क्या है? तो आप यहाँ पे रोज खाना खाने आते हो, तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे? शर्मा मत। हाँ बताओ। मेरा नाम सोनिया है। यहाँ पे मतलब कि कभी कभार कड़ी चावल मिलते हैं, कभी कल पता क्या मिला था, कल मिला था रोटी, हलवा, सब्जी, चावल और छोले की सब्जी। तो मतलब भरपेट खा लेते हो ना आप? हाँ। तो मतलब आप सबको पसंद है यहाँ का खाना? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मटर पनीर भी मिलता है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है और मात्र 1 रुपए में खाना दिया जा रहा है। आपने देखी कितनी सारी डिशेस है यहाँ पे, ये देखिए। जैसे कि मैं आपको थाली दिखा देता हूँ, सबको बराबर मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए। कैसा लग रहा है आपको खाना? आपको अच्छा लग रहा है खाना? कुछ कमी बेशी आपको अच्छा लग रहा है? तो ये देखो, ये एंजॉय कर रहे हैं इस समय, तो एंजॉय करने देते हैं। तो जी हाँ, ये आ चुकी है हमारी 1 रुपए की थाली। ये लग तो नहीं रही पर हाँ 1 रुपए की थाली है। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पूड़ी, और पूड़ी को मेरा फेवरेट पनीर है तो मैं सबसे पहले पनीर में डालूंगा। और ये गई आप तो भिगो दी पूरी अच्छे से और एकदम मतलब टेस्ट भी बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है जो ये सेवा भाव से चला रहे हैं इस खाने को, तो उसके लिए बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा। तो प्रवीण जी एक बार ये आप लोकेशन समझा दीजिए, अगर किसी को फरीदाबाद या
गुड़गांव से आना हो तो वो कैसे आ सकता है? सर वैसे ये नामगोई में भूत वाली गली है। अच्छा, भूत वाली गली बोलते हैं इसको? बड़ी जगह ये ऐसी गली कहीं मिलेगी नहीं आपको पूरी इंडिया के अंदर। अच्छा, भूत वाली गली नाम है जगह का। एक्चुअली रात को किसान लोग काम करते थे पहले। अच्छा, और दिन में सर्विस जाते थे। अच्छा, तो लोग कहने लगे भूत है भूत है। अच्छा, इसलिए इसको भूत गली बुलाई जाती है। भूत गली बोलते है, भूत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये आगे गली में आगे आएंगे 7 नंबर गली से आगे शिव मंदिर है। हाँ। और HD दवा बाजार है, DHD दवा बाजार है, वहाँ आगे आप एक बार आप जगह बता दीजिए, जगह कौन सी है दिल्ली के अंदर? दिल्ली नागलोई में है। दिल्ली के अंदर नागलोई के अंदर गली नंबर 7 भूत वाली गली, HD दवा बाजार नियर शिव मंदिर। चलो ओके, थैंक यू भैया जी। तो हमने अभी भी खाना ट्राई करा, खाना बहुत ही बढ़िया था। ये भैया है, भी आप बताइए खाने के बारे में आपको कैसा लगा? खाना तो यहाँ पे वैसे ही एक नंबर है, और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतनी सेवा भाव से काम कर रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा जो यहाँ पे बनाते हैं खाने को, वो भी इतनी लगन और इतने प्रेम से और इतने भाव से बनाते हैं, तो यार जिसमें इतना प्यार इतना भाव डाला गया वो खाना ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही है। और एक अच्छा काम भी किया जा रहा है यहाँ पे। पेटीएम से आप 10-20 रुपये करना चाहें तो आपको पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नाम नीचे आ रहा होगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।